संकल्प से सिद्धि के सफर में ऐसे कई संगठन और व्यक्ति जुड़े हैं जो न सिर्फ समाज सेवा कर रहे हैं बल्कि तमाम लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने और उसके निर्माण के लिए भी तैयार कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी में ओजू मिशन भी अपने संकल्पों के साथ काम कर रहा है, जहां बेसहारा और अनाथ बच्चों, कमजोर वर्गों और हिंसा की शिकार महिलाओं को न सिर्फ सहारा मिल रहा है बल्कि नया जीवन शुरू करने की प्रेरणा और उसके लिए जरूरी कौशल भी। अनाथ और बेसहारा बच्चे ओजू मिशन के स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो इन बच्चों को ऐसे नागरिकों में बदलने की कोशिश भी है जो नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। मिशन में रात दिन काम करने वाली महिला हेल्पलाइन सेवा महिलाओं को न सिर्फ आपातकालीन सहायता और सुरक्षा प्रदान कर रही है बल्कि उन्हें उनके अधिकार दिलाने की लड़ाई भी लड़ रही है। ये जो हमारा वुमन हेल्पलाइन है, ये 24/7 हम लोग मतलब हेल्पिंग प्रोवाइड करते हैं। ये डिपेंड करता है केस का ऊपर, अगर वो इमीडिएट है तो हम लोग इमीडिएटली उसको हेल्प करते हैं। जरूरी होने पर उन्हें ओजू मिशन स्वघर में रहने की जगह देता है, हथकरघा जैसे कामों में कुशल बनाया जाता है ताकि आगे चलकर एक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जी सके। यहाँ पे जो है डेस्टिट्यूट वोमेन आते हैं, फिर चाइल्ड मैरिज विक्टिम आते हैं, फिर डोमेस्टिक वायलेंस के, और मतलब जिनको शॉर्ट पीरियड के लिए शेल्टर जरूरत होता है तो उन लोग को भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं शेल्टर यहाँ में। ऐसे नन्हे बच्चे जिन्हें जन्म देने वालों ने ही ठुकरा दिया, उनकी जिंदगी में नई रोशनी लाने का संकल्प भी यहाँ दिखाई पड़ता है। जो बच्चे सरेंडर होता है, एबंडन होता है या फिर ऑर्फेन होता है, तो उनको हम लोग यहाँ पे रखते हैं। अपने कामों से ओजू मिशन भी संकल्प और प्रेरणा की एक मिसाल है जो नया भारत गढ़ने में भी अपनी भूमिका निभा रहा है। आप ओजू मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। इस संस्था ओजू वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना लेट पद्मश्री बीनी यांगा जी ने की थी, जिन्होंने अपने सरकारी नौकरी, पुलिस और टीचर के दौरान समाज में होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए सोचा, तो उन्होंने वही किया और इस संस्था की स्थापना की। ऐसे बच्चे जिन्हें शारीरिक विकलांगता है, ऐसी महिलाएं जो घरेलू हिंसा का शिकार हैं या गरीबी के कारण दर दर की ठोकरें खा रही थी, ओजू मिशन इन सब का शरणालय बन गया है। ओजू मिशन उनमें से एक है जो नए भारत के लिए नए तरह की पीढ़ी तैयार करने की कोशिश कर रहा है। कैमरामैन कृष्णा रेड्डी के साथ संजय प्रताप सिंह, डीडी न्यूज़, ईटानगर।